अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ, 2 किलो चिकन है मेरे पास और 2 किलो चावल हैं, ठीक है? तो ये हम बनाने लगे हैं चिकन का पुलाव। ये इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज, लहसुन तकरीबन 2 लहसुन के वो जो बंच होते हैं वो, और हरी मिर्चें 1 कप दही, और इसमें हमें चाहिए 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हमने लिया है साबुत गरम मसाला, और 1 हमने आधा पैकेट लिया है बिरयानी का, ठीक है? और 1 कप ऑयल है, और ये हमारे पास चिकन है, ठीक है जी? अब हम अपनी ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस हमारी बहुत ज़्यादा स्लो है, आज संडे का दिन है, आपको पता है कई दफ़ा होता है कि ये 1 कप मेरे पास ऑयल है, ये हम 1 कप ऑयल ले लेंगे, इसको हम अच्छी तरह से डाल देंगे अपने दिचके में, और इसमें हम 2 अदद प्याज शामिल कर देंगे, ठीक है जी? ये प्याज हमने बीच में शामिल कर दी है। अच्छा जी, मैं आपके लिए वैसे बात बता रही हूँ कि ये मैं अल्लाह के नाम पे देने के लिए ये बना रही हूँ, और ये मैं पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, और इस तरह से मैं अपने बाहर काफ़ी अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों में ये देती थी। तो जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो ये मेरा काम बहुत कम हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी की छोटी सी भी हेल्प करूँ, तो खाना खिलाना तो आपको पता है बहुत सवाब का काम है, बहुत ज़्यादा। तो आप कोशिश किया करें इस तरह के छोटे छोटे काम ज़रूर किया करें, अल्लाह ताला ने हमारे से ना इन्हीं कामों पे ही खुश होना है। तो ऐसे है कि जो भी खाएगा उसका सवाब हमें मिलेगा। कहते हैं ना, किसी को खाना खिलाना, किसी का पेट भरना बहुत सवाब है। ये हमने तो अपने लिए कह लें कि अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, और कोशिश किया करें कि इस तरह के काम आप ज़रूर करें, जितना हो सकता है आप करें। अब जिस तरह आप कहते हैं ना कि अपनी बहुत प्यारी खूबसूरत कीमती चीज़ किसी को दें, ना कि आप कोई ख़राब फटे हुए या पुराने कपड़े निकाल के, तो वो आगे पीछे आप देना शुरू कर दें। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आपने 2 सूट बनवाए हैं, 3 बनवाए हैं, तो उसमें से 1 अच्छा जो है वो किसी के पहनने के लिए आप उसको ज़रूर दें, ठीक है जी? तो इस तरह छोटी छोटी बातें हैं कि आप कोशिश किया करें, सदका खैरात ज़कात अगर हम ये करना शुरू करें ना, तो मुझे लगता है कि हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी अच्छी है कि हमारे मुल्क में सच है ये बात कि कोई गरीब ना रहे। पर पता नहीं, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, लोगों को कोशिश करनी चाहिए, और बहुत से लोग कोशिश करते भी हैं। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि जितना हो सके आप दूसरों की हेल्प किया करें। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं, ये मैंने पुलाव बिरयानी दोनों, मतलब है चीज़ों को मैं ऐड करके इसलिए बना रही हूँ ताकि ज़रा स्पाइसी भी हो जाए, अच्छा मज़ेदार हो जाए, और जो खाए उसको मज़ा भी आए और वो हमें दुआएं दें। और अब ये है कि आपको पता है कि गैस भी जो है, सर्दियाँ आती हैं तो हमारे घरों में काम हो जाती है, तो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके घरों में तो गैस बिल्कुल ही नहीं आती, वो बेचारे लकड़ियाँ और गैस बहुत मुश्किल से कह लें कि वो अपना खाने पीने का भी गुजारा करते हैं। तो कोशिश करें कि खाना पका के इस तरह की चीज़ें बना के आप ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि मैं अब आपके साथ साथ बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी, और इसी तरह से हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है? अभी मैंने प्याज और ऑयल जो है ये डाल दिया हुआ है, और ये फ्राई हो रहा है, ये जब फ्राई हो जाएगा गोल्डन ब्राउन तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है गैस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही है, ठीक है जी? तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम इसको जल्दी तैयार कर लें ताकि टाइम पे लोग खाना खा लें। प्याज ब्राउन करने के बाद अब हमने इसमें लहसुन ऐड कर देना है, ठीक है?
लहसुन ऐड करें, इसके साथ ही हम इसमें से हम ऐसे करेंगे, इसके साथ हम ना ये जो हमने साबुत मसाला लिया है हम ये ऐड कर देंगे, क्योंकि क्या जब घी में फ्राई होगा तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। सिर्फ हमने साबुत मसाला जो है 1 टेबल स्पून भर के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे, और अब हम इसको फ्राई करने के लिए रखेंगे। अच्छा जी, ये आप देखिए ना, हमारा अब ये प्याज लहसुन ये चीज़ें हमारी ये भी तैयार हो रही हैं। इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे, चिकन हमारा 2 किलो है, ठीक है। हम इसके अंदर चिकन को डालेंगे और अच्छी तरह चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई होने देंगे। आप इस तरीके से भी बनाएंगे ना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगा। ये हमारा तकरीबन 45 मिनट्स में तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा जो चिकन है ये फ्राई हो रहा है, ठीक है। इसको हमने इसी तरह हल्की आग पे फ्राई होने देना है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं ये मसाले। इन मसालों में मेरे पास 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1/2 पैकेट मेरे पास बिरयानी मसाला है, ठीक है। इनको हम सबको बीच में मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने ये मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसकी थोड़ा सा इसको भून लेना है। अब आप देखें, मैंने इसमें सबसे पहले प्याज की खूबसूरत कितनी प्यारी इसकी ये देखें कलर हो गया है और कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। अब हम इसके अंदर ना 1 प्याली भर के हम दही का ऐड कर देंगे, ठीक है जी। दही के साथ ना इसका टेस्ट बहुत फर्क हो जाएगा। दही ऐड करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर 1 कप मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये देखिए ये हरी मिर्चें हैं, ये हम सारी साथ ऐड कर देंगे ताकि जो भी खाए स्पाइसी अच्छा मज़ेदार सा हो और उसको इसकी अच्छी प्यारी खुशबू भी आए और कोई आपको दुआएं दे, ठीक है जी। जिस तरह आप खुद खाते हैं उसी तरीके से आप किसी के लिए भी बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो जो चिकन मैंने 1/2 केजी रखा हुआ है वो मेरा फ्राई होया हुआ है, उसको मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह इस कदर खूबसूरत इतनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है इसकी, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब हम इसके अंदर ना अपना चिकन जो पहले से हमने फ्राई करके रखा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम पे नहीं, मतलब है कि आप टेस्ट करके इसको हम जरा भून के फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है।
मुश्किल इसमें वही सादा साइंस नहीं है। आप मजेदार अच्छा सा जबरदस्त किस्म का खाना बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला, मैं पहले तो तकरीबन कह लें वीक में 2 दफ़ा बनाती थी और बना के देती थी, पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों को थोड़ा लाइट लेते हैं, पर ये चीज़ें लाइट लेने वाली नहीं है। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं वैसे हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी इसको भूनने के बाद। देखें जी, चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 2 किलो चावल जो मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगोए हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल हमने अच्छा वाला लेना है। चावल जो है मेन उसी के ऊपर ही सब कह रहे हैं डिपेंड करता है, क्योंकि चावल अच्छे होंगे तो ज्यादा खिलेंगे और दाना दाना अलग होगा और मजेदार बनेंगे। ये देखें जी, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। खाना बनाने के लिए ना आपको हर चीज की मेजरमेंट नहीं करनी, हमने चावलों को ऐसे डालना है, ठीक है। डाल के हमने इतना पानी ऐड करना है कि चावल हमारे पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है। जितने डूबे हुए होंगे ना उतने ही हमारे चावल अच्छे। ये देखें माशाल्लाह कितना ऑयल इसके ऊपर आ गया, और अभी हमें इसमें पानी ऐड करना है। ये देखें जी, हमने चावल जो है वो डाल दिए हैं और इतना पानी डालना है, ये देखें कि हमारे चावल इसमें डिप हो जाए। अच्छा, अब हमने एक मरतबा इसको बस हल्का सा मिक्स करना है। ये देखें, मिक्स करने के बाद हमने बार बार इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं मारना, नहीं तो हमारे चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा जबरदस्त कह लें ये हो गया। अब हम इनको ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं फूल के दाने आ चुके हुए हैं। अभी इसमें पानी है, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे और फिर ये हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे चावल जो है ये माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ठीक है जी। तो देखें चावल हमारे माशाल्लाह बहुत फूल चुके हुए हैं और दम पे रखने के बाद 10 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा पुलाव तैयार हो चुका हुआ है। ये देखें इसका माशाल्लाह दाना दाना ऐसे देखें खिला हुआ है। चावल निकालते हुए आपने ये ध्यान रखना है इसके अंदर बहुत ज्यादा आपने चम्मच नहीं मारने, और बिल्कुल साइड से इसको ना ऊपर नीचे करना है। देखें ये आपको नजर आ रहा होगा, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनमें बरकत डाले और जो लोग ये खाएं उनको खाना नसीब हो और अल्लाह ताला रिज़क में बरकत डाले, मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अच्छा जी, ये मैंने बॉक्सेस मंगवाए हुए हैं, ये देखिए मेरे पास घर में अल्लाह ताला का शुक्र है हमेशा पड़े होते हैं। तो ये मैं इसके अंदर फिर चावल डाल के, तो ये इतने हों कि ये एक बंदा पेट भर के खा ले, ठीक
ठीक है जी, ये इस तरीके से करके ना आप बना के बॉक्सेस बंद करते जाए, मैं बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ।